हेलो स्टूडेंट्स, जय शारदेवा। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। आपने ये हार्ड वर्ड सारे लिख लिए हैं बुक के अंदर, कंप्यूटर की बुक के अंदर। ओके, आई होप कि लिख लिए होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शंस इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम। राइट मोस्ट डिजिट बिफोर द फ्रैक्शनल पॉइंट इज कॉल्ड डैश। वो क्या कहा जाता है? LCD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड से नंबर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? LCD, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नाउ बेस 2 इज अनदर नेम फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। बेस 2 का मतलब क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, नाउ देयर आर 2 सिंबल्स प्रेजेंट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से 2 नंबर आते हैं? 0 एंड 1। द डेसिमल नंबर ऑफ 3 4 5 10 इज डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू। ये आप सॉल्व करके ट्राई करना। इसका आंसर है ए। 3 4 5 को आप कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? ए। 345 डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं सिखाया ना, वैसे आप ट्राई कीजिएगा। ओके, नाउ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अ नंबर सिस्टम इज सिंपली अ मैनर ऑफ अकाउंटिंग। नंबर सिस्टम क्या है? काउंटिंग करने के लिए होता है। यस, ट्रू। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। राइट, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है और बाइनरी का 2 है। द वर्ड बाइनरी कम्स फ्रॉम बाय मीनिंग 2। यस, ट्रू। इसका आंसर भी ट्रू है। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेड ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। ऑक्टल नंबर क्या है? वो बाइनरी नंबर्स का शॉर्ट हैंड है। यस, ट्रू। नाउ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 16 डिजिट। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर आते हैं? 16। मैंने आपको बताया था 0 से लेके 9 तक और उसके बाद ए से लेके एफ तक। नाउ फिलिप्स इन अ बाइनरी सबट्रैक्शन 1 - 1 = 0। 1 - 1 0 होता है बाइनरी में। यस, 1 - 1 = कितना होता है? 0। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज, बाइनरी का बेस क्या है? 2। द बेस ऑफ डैश सिस्टम इज 10। 10 किसका बेस है? डेसिमल नंबर सिस्टम का। इन बाइनरी एडिशन 1 + 1 = 2। 1 + 1 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। ओके, 1 + 1 = 10 हो जाता है। 2 आंसर मत देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। ऑक्टल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ डैश डिजिट। कितने नंबर आते हैं ऑक्टल में? 8। कौन से? मैंने आपको बताए थे 0 से लेके 7 तक के। ओके, नाउ कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड्स, कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड्स करता है? बाइनरी। कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी नंबर्स। नाउ शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज एन ऑक्टल नंबर? ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर्स। जो बाइनरी लॉन्ग नंबर्स होते हैं उसका शॉर्ट में क्या होता है? ऑक्टल। व्हाट इज अ बाइट? ग्रुप ऑफ 8 बाइनरी डिजिट आइदर 0 और 1 इज कॉल्ड अ बाइट। बाइट क्या होता है? 8 नंबर्स के डिजिट का होता है। ओके, ग्रुप होता है उसमें 0 और 1 ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही आता है, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आते हैं। नाउ व्हाट इज द बेस इन ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? मैंने आपको बताया था बाइनरी में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। What is, now long question answer, what is number system? Explain. A number system is a simply a method of counting. There are 4 types of number systems in computers, such as a binary number system, decimal number system, octal number system and hexadecimal number. Number system kya hai? Simply method hai counting ka aur uske andar 4 type ke method hai. Binary, decimal, octal and hexadecimal. What are the rules to convert decimal number into a binary number? To convert a decimal number into a binary number, divide, ये सारे steps है, divide the decimal number by 2, note down the quotient and remainder, divide the quotient octant again by 2 and note down the resulting quotient and remainder. Step 3, repeat the procedure till you reach at less than 2. List the last quotient and all the remainders, moving from bottom to top, you have a और बाइनरी नंबर्स। ये आपको मैंने बताया है कैसे होता है कन्वर्ट। जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते जाना है, क्वेश्चेंट को नीचे लिखते जाना है और रिमाइंडर को साइड में लिखते जाना है। ऐसे लास्ट में जब तक 1 आ जाता है तब तक ये प्रोसीजर करनी है और सारा सम फिनिश हो जाए तब क्या करना है? बॉटम से टॉप में हमें रिवर्स जाना है। नंबर्स कैसे लिखने हैं? बॉटम से स्टार्ट करके टॉप तक नंबर्स लिखने हैं। ओके, नाउ राइट द रूल्स टू मल्टीप्लाई 2 बाइनरी नंबर्स। ये बाइनरी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के x multiply y, ये आप देख लीजिएगा। Now solve the sums. Solve the sums आपको
जैसे मैंने बाइनरी में सिखाया है इससे पहले के वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है सारे नंबर्स को, वो वाले वीडियो आप ध्यान से देखिए और उसके हिसाब से ये सम आप कीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको सम और क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ नोटबुक में लिखना है। सारे सम जो सॉल्व द फॉलोइंग वो वाले सम और क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ आपको नोटबुक में लिखना है। और टेक्स्ट बुक में क्या करना है, ट्रू और फॉल्स ये जो सब है, फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स एंड एम सी क्यू एंड हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, ये सब न्यू वर्ड्स नहीं सॉरी एम सी क्यू तक, एम सी क्यू, ट्रू और फॉल्स एंड फिलअप्स, ये सब आपको करना है टेक्स्ट बुक में और ये सारा आपको करना है नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स।